ये अनुशांक की इतनी हिम्मत, उसने मेरे घर में हमला किया। वो इतने बेईमान होंगे, जहां तक मेरी बात है जुड़े हुए अब सुरक्षित नहीं रहा। अगर मुझे पूछो तो जुड़ा हुआ अब सुरक्षित नहीं रहा। मैं की लियांग मौत से नहीं डरता हूँ। अगर महाराज मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें मुझे ढूंढने के लिए लिंजी आना पड़ेगा। भले ही आज मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मुझे कलंक हटाना है। मेरा भाई तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैंने कहा तुम लिंजी नहीं जा सकते। बहन सही बोल रही है। बहन तुमने सही कहा। जनरल जीव को सेना में आ जाना चाहिए था। लगता है अब आपको जाना होगा। हाँ जनरल क्यों, तुम्हें वापस जाना चाहिए। और तुम क्या करोगी? मैं भी चलूंगी। मेरे कारण तुम्हारे ऊपर दाग लगा तो मुझे तुम्हारा नाम हटाना होगा। चिंता मत करो, वो अभी भी मेरा भाई है, वो चोट नहीं पहुंचाएगा। सही कहा। अब बड़ी समस्या ये है कि जनरल क्यों यहां से सुरक्षित कैसे निकलेंगे। मेरे पास तरकीब है। क्या? गोल्डन ईगल सैनिकों का लक्ष्य जनरल क्यों है, इसलिए हम दूसरा रास्ता बनाएंगे। दूसरा रास्ता बनाएंगे? घर के सामने एक सवारी बुलाओ, राजकुमारी और जनरल सवारी से जाएंगे। अब जब हमारा घर निगरानी में है तब हमारी हालचाल पहले से ही पता होगी। सवारी पश्चिम दिशा में ही जाएगी, जब वो शहर में पहुंचेगी तो दूसरी सवारी पास ही होगी, ताकि जनरल क्यों दूसरी सवारी में जा सके और वो पूर्व दिशा के दरवाजे से निकल जाएंगे। जब गोल्डन ईगल सैनिक राजकुमारी की सवारी रोकेंगे तो वो देखेंगे कि क्यों उसमें है ही नहीं। वक्त हो गया है, क्या हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे? मुझे नहीं पता। अगर फिर युद्ध भूमि पर मिले तो मैं तुम्हारी तलवार फेंक दूंगी। ये तलवार अब तुम्हारी है, ख्याल रखना। ध्यान रखना। तब तो मुझे तुम्हारे कमरे में ही सोना पड़ेगा। रुक जाओ, चल। मरे हुए घोड़ों को मारना बंद करो। क्यों लियांग जा चुके हैं? त्यान वुशांग कहाँ है, उसे कहो आकर मिले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम विद्रोह करने की सोच रहे हो? चलो। हाँ?
महाराज जल्दी करो जल्दी। महाराज एक समस्या है। क्या हुआ? बेहतर होगा कि यह बात आपको यही बताएं। बताइए महाराज। कल दोपहर के समय में सैनिकों की शराब में जहर मिलाई गई थी। अच्छा तो तुम हो वो तुम। आधे दिन के बाद जब मैं दोबारा वहां पर पहुंचा तो हमारे 8 सैनिकों को चांद से मार दिया गया था। यह कौन है जो इतना साहसी है? महाराज मैंने इनके बताए अनुसार उस अपराधी का एक चित्र बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। महाराज इस औरत को कहीं देखा हुआ लगता है। बेशक लगेगा, ये राजकुमारी ली की जर्नल है शुन हुआ। अपमान, ये अपमान है। जांग ली, तुमने मेरी इच्छा के खिलाफ काम किया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ू? महाराज राजकुमारी विद्रोही नहीं है। महाराज कोई भी निर्णय लेने के पहले एक बार सच की जांच कर ले। महाराज सच की जांच करूं? क्या उनको मेरी हवेली तक सैनिकों के लाने का इंतजार करूं? मंत्री जी आक्रमण की तैयारी करो, पूर्व की ओर जाओ और उनकी सेना को चारों ओर से घेर लो। जाओ जी। महाराज महाराज सुन हुआ, इतने सालों के बाद हमारा वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। महाराज शुनहुआ हार गई। लेकिन क्यों? क्यों ने आकर राजकुमारी को बचाया? राजकुमारी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो आपकी प्यारी बहन है ना? तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता हूं? अगर उसे नहीं मारा तो हमें कभी नायक का ओहदा नहीं मिलेगा। मैं कब मेरी माँ की मौत का बदला लूंगा? इस तरह का मौका फिर नहीं आएगा, समझ गई तुम? राजकुमारी मुझे बहन मानती है और मैं तुम्हारे मन में इस वक्त अजीब ख्याल आ रहे हैं। जी नहीं, तुम्हें चोट लगी है? ठीक है शुनहुआ, याद करो पूरी दुनिया में मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा रहा हूं। जब मैं नायक बन जाऊंगा हम क्यूशी आर्मी का नेतृत्व करेंगे और बदला लेंगे। उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम्हें ये चाहिए ना? क्यों ना हम दुश्मनी भूलकर किसी शान जगह पर रहने लगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मुझे शांति कहीं नहीं मिलेगी। किसी एक को मरना होगा, मैं या लिव गुआंग। सुन हुआ,
किसी को साथ लेकर ली के पीछे जाओ। नायक का ओहदा लेना याद रखना, जल्दी जाओ। तुम बदल गए हो, तुम वो नहीं रहे जिसे शुनहुआ प्यार करती थी। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। मेरी बात सुनो, मैं राजकुमारी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरे खिलाफ हो? मैं राजकुमारी को सब कुछ बताऊंगी, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी।